नमस्कार, बीएचपीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन विभाग। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 20 नवंबर को केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और गवर्नर सचिवालय को नोटिस जारी किया है। दरअसल केरल सरकार ने गवर्नर पर विधानसभा से पारित बिल लंबित रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सरकार का कहना है कि गवर्नर के 8 बिल कई महीनों से लंबित हैं। इनमें से कुछ बिल गवर्नर के पास 7 महीने से लेकर 2 साल तक की अवधि तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश की शीर्ष अदालतों ने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से भी इस मसले पर अपनी राय रखने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार 24 नवंबर को होनी है। देश के कई राज्यों में राज्य सरकारों और गवर्नर के बीच टकराव के मामले देखने को मिले हैं। ऐसा ही कुछ तमिलनाडु में भी देखने को मिला है, जहां सरकार का गवर्नर आरएन रवि पर आरोप है कि उन्होंने बिलों को 3 साल से पेंडिंग रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर भी सुनवाई हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा के जरिए पारित किए गए कई सारे बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे। केरल सरकार का ये भी कहना है कि गवर्नर बिलों को मंजूरी देने से रोक कर देरी कर रहे हैं, वैसा करके लोगों के अधिकारों को निष्प्रभावी बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने बताया कि इनमें से कुछ विधेयक 7 से 21 महीने से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल अदालत में पेश हुए। उन्होंने दलील देते हुए कहा है कि गवर्नर की तरफ से 8 विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने के वेणुगोपाल की दलीलों पर गौर किया। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में पीठ की मदद करें। सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने कहा है कि गवर्नरों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वे संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत विधायिका का हिस्सा हैं। अब इस मामले पर 24 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।